नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम। पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे अरवल के हैं, उनके ऊपर हमला हुआ और बिहार की सरकार सोई हुई। बिहार के खगड़िया जिला में कल शाम के वक्त जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल गिर गया, 1500 करोड़ की लागत से लगभग पुल का निर्माण चल रहा था, इसको लेकर अब बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार की पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, गंगा में समा गई। कहीं ना कहीं ये पुल का निर्माण जो है, जिसमें जो सामग्री यूज़ किए गए थे वो कहीं ना कहीं मिलावट थे, इसके वजह से ये पुल गिर गए। इसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की एक बार फिर से पोल खुली है और इसको लेकर जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए सम्राट चौधरी ने कई बातें कही, क्या कुछ कहा है पहले वो आप जरा गौर से सुने। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे अरवल के हैं, उनके ऊपर हमला हुआ और बिहार की सरकार सोई हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसी तरह हमला नीतीश बाबू होता रहेगा, आप एक दिन आप भी नहीं बचेंगे, आपके ऊपर भी अपराधी हमला करते रहेंगे। इसलिए अपराधियों को समाप्त करना है और बिहार में भाजपा के लोगों को इस तरह यदि नीतीश कुमार की सरकार लगातार तंग करने का काम करेगी। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल गिर जाना एक बड़ा सवाल है, पहले भी जो एक पुल का एक पाया पहले भी गिर चुका, ये दूसरी बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कहीं ना कहीं इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके अंदर नैतिकता बची है तो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।